भारत जापान के बीच तीन बड़े करार, बुलेट ट्रेन, सिविल न्यूक्लियर, डिफेंस सेक्टर में हुआ समझौता। थोड़ी देर में वाराणसी रवाना होंगे पीएम मोदी और शिंजो आबे। विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद देखेंगे गंगा आरती। मेक इन इंडिया को मिलेगी जापान की रफ्तार, $5 अरब का होगा निवेश। और भारत से कार खरीदेगा जापान। नेशनल हेराल्ड केस में स्वामी के बाद शांति भूषण ने बढ़ाई सोनिया राहुल की मुश्किलें, पूछा बिना रजामंदी के कैसे ट्रांसफर किए शेयर। टोंक की सड़कों पर लगे आईएसआईएस और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, नारेबाजी करने वालों के खिलाफ दर्ज होगा देशद्रोह का केस। सीएलजी की बैठक में लिया गया फैसला। जयपुर से गिरफ्तार आईएसआईएस एजेंट सिराजुद्दीन ने एटीएस की पूछताछ में किए कई बड़े खुलासे। आतंकी ट्रेनिंग के लिए जाने जाने वाला था सीरिया, अमीना नाम की लड़की हैदराबाद से गिरफ्तार। सीकर में अभिभाषक संघ के चुनाव के बाद जमकर हंगामा, नतीजे घोषित होने से पहले एक पक्ष ने फाड़ा मतपत्र, मतदान में धांधली का लगाया आरोप। अभिभाषक संघ ने दोबारा चुनाव कराने का किया फैसला। जोधपुर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल ने ली 10 साल के बच्चे की जान, इलाज नहीं मिलने से बच्चे की हुई मौत, परिजनों ने शव उठाने से किया इनकार। उधर अजमेर के रेजिडेंट भी समर्थन में उतरे। सरकार के 2 साल होने पर कांग्रेस कर रही है जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन, अजमेर में कांग्रेसियों ने सरकार पर साधा निशाना, जनता के पैसों पर जश्न मनाने का लगाया आरोप। धौलपुर के सैपोई में कोकरा माकरा माइनर नहर टूटी, सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न, इलाके के किसान परेशान, स्थानीय प्रशासन नहर की मरम्मत से जुटा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर भी हो चुकी है नस्लवाद का शिकार, असहिष्णुता पर अपनी राय रखने के दौरान सोनम ने किया खुलासा। सोनम ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर की है भारत की नुमाइंदगी।